हाय गाइस, वेलकम टू मुमताज़ किचन। आज हम ओरियो मिल्क शेक बनाने जा रहे हैं। 2 ही मिनट में 2 ही इंग्रेडिएंट से बनने वाला एकदम डिलीशियस ओरियो मिल्क शेक, जो हम अक्सर पीने के लिए कैफ़े में या चॉकलेट बार में जाते हैं। तो अभी घर पे ही बनाएंगे। ये रीत देख के आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती। यहाँ पर मैंने ओरियो का जो बिस्किट का पैकेट आता है ना, वो लिया है। मैंने चॉकलेट ओरियो लिया है, आप वेनिला ओरियो भी ले सकते हो। अभी इसको मैंने रफली क्रश करके मिक्सर जार में ले लिया है। अभी यहाँ मैंने 2 चम्मच शुगर यूज़ किए, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बिस्किट में शुगर होती है पर मुझे थोड़ा ज़्यादा शुगर अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ मैंने अमूल गोल्ड जो मिल्क आता है ना, उसको फ्रीजर में रखा हुआ था और एकदम चिल्ड करके लिया है। 300 ml जितना मैंने यहाँ पे चिल्ड मिल्क ले लिया है। मैंने यहाँ 5 से 7 आइस क्यूब भी यूज़ किए, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, आपको थिक मिल्क शेक चाहिए तो। अभी इसके मिक्सचर में हम ग्राइंड कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ना, मिल्क शेक रेडी हो गया है 2 ही मिनट में। अभी जिसमें हमें सर्विंग करना है, वो ही ग्लास में हमने चॉकलेट सॉस लगा लिया है, आप चाहो वैसे सर्व कर सकते हो। मैंने यहाँ 2 ग्लास में चॉकलेट सॉस लगा के रख दिए। अभी नीचे हम जो ओरियो बिस्किट हमने क्रश किया था ना, वो डाल देते हैं तोड़ के। अभी इसमें जो ग्राइंड किया हुआ मिल्क शेक है वो ले लेते हैं। उसमें ओरियो का क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर से भी थोड़ा ओरियो रफली क्रश करके हम डाल देते हैं। यहाँ चॉकलेट वर्मिसवेली भी आप डाल सकते हो। मैंने चॉको चिप्स लिया है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ऊपर से चॉकलेट सॉस डाल दिया है सर्विंग करने के लिए। और जो चॉकलेट वेफर आती है ना, रोल वेफर, वो यहाँ गार्निश करने के लिए ली है मैंने। आधा ओरियो सर्व करने के लिए यहाँ मैंने रख दिया है। तो तैयार है एकदम कैफे स्टाइल में चॉकलेटी टेस्ट वाला ओरियो मिल्क शेक। 2 ही मिनट में बन जाता है फ्रेंड, बनाना एकदम आसान है। किड्स भी बना लेंगे, छोटे से बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा। घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको मेरा ये वीडियो रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।